नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत सारे लोगों को छाती में जलन, छाती में भारीपन या कुछ भी खाने के बाद छाती में एकदम से वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि वो कुछ भी खाते हैं, उनको लगता है कि ये छाती में ही रुका हुआ है, पेट की तरफ नहीं जा रहा। आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा और इसके पीछे का कारण समझना है। इसका लॉजिक ये है कि जब हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, तो फूड पाइप और स्टमक यानी पेट के बीच में एक दरवाजा आता है, जिसको हम कार्डियक स्प्लिंटर कहते हैं। कई बार ये कार्डियक स्प्लिंटर लूज हो जाता है। तो लूज होने पर एक सिम्टम्स आपको बताता हूं कि जिन लोगों को खाना खाने के बाद एसिड रिफ्लेक्ट करता है, गले में जलन होने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि उनका कार्डियक स्प्लिंटर लूज हो गया है। और ये लूज होने का मतलब है कि आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में जा चुकी है। क्योंकि एसिडिक नेचर में जाने का मतलब है कि जब भी हम कहीं पर भी एसिड को इंक्रीज करते हैं, तो एसिड का नेचर है वो उन चीजों को गलाना शुरू कर देता है, उनको लूज करना शुरू कर देता है। और यहां पर भी यह कार्डियक स्प्लिंटर को लूज कर देता है। कार्डियक स्प्लिंटर लूज होगा तो एसिड का रिफ्लेक्ट होता है, और एसिड रिफ्लेक्ट की वजह से आपको छाती में जलन, वॉमिटिंग की फीलिंग, खट्टी डकारे, और ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे एसिड आपके गले तक आ गया है। और यही कारण आगे जाकर बन जाता है आपके कोड़ी की समस्या का। कोड़ी क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होते हैं? जब लंग्स को बेस बनाते हैं। लंग्स क्या है? दो ऑर्गन्स है, यानी कि ये एक लेफ्ट है और राइट में लंग्स है। इनका एक बेस पार्ट है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के साथ में दोनों लंग्स आपस में जुड़े हैं, और डायफ्राम जब आपस में जुड़ते हैं जिस जगह पर, तो वहां पर एक छोटा सा मस्कुलर पार्ट आता है जिसको लिगामेंटम पार्ट कहते हैं। ये हमारी कोड़ी है। ये कोड़ी उन दोनों लंग्स के, उन दोनों डायफ्राम के बीच की कड़ी है। कई बार इसी एसिड रिफ्लेक्ट की वजह से, लगातार एसिड बढ़ने की वजह से यहाँ के मसल्स लूज हो जाते हैं, और हल्के झटके से या भारी वजन उठाने से या कोई हैवी वर्कआउट करने से, जिम में वर्कआउट करने से आपकी ये कोड़ी अपनी जगह से खिसक जाती है। और जैसे ही कोड़ी खिसकती है, आपके लंग्स भी अपनी सेटिंग से बिगड़ जाते हैं, और उस समय पर ये कहानी स्टार्ट होती है कोड़ी की समस्या की। और कोड़ी की समस्या जगह ऊपर की तरफ चली गई या नीचे की तरफ चली गई या दाएं बाएं जा सकती है, और उस समय पर आपको अलग अलग समस्याएं आपको महसूस होंगी, और आपका मतलब यहाँ पर एक मीठा मीठा सा दर्द आपको परमानेंट बना रहेगा, और समस्या तब क्रिएट होगी जब आप कुछ भी चीजें खाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, और यह समस्या, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि किसी अल्ट्रासाउंड, किसी MRI, किसी CT स्कैन या किसी भी टेस्ट में नहीं आता है। क्योंकि टेस्ट में केवल आपके ऑर्गन्स की जानकारी है, सेटिंग की जानकारी नहीं है। तो सेटिंग की जानकारी ना होने की वजह से डॉक्टर इस समस्या का परीक्षण यानी कि डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, और यह समस्या पेशेंट को बड़ा तंग करती है। यह समस्या वही समझ सकता है या तो जिसको इसकी जानकारी हो या जो महसूस कर रहा है। डॉक्टर जिसको कहीं डायग्नोज में कुछ नहीं है, उनके लिए समस्या एक साइकोलॉजिकल समस्या है। आइए कोड़ी को कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट को सीधा लिटा दीजिए, और पेशेंट को सीधा लिटाने के बाद में ये स्टर्नम बोन है, यानी कि स्टर्नम बोन क्या है, जो रिब्स हैं, ये सारी की सारी रिब्स स्टर्नम बोन बीच की हड्डी से जुड़ी होती है। यानी कि स्टर्नम बोन अगर मैं बताऊं तो ये जो स्टर्नम बोन है जिससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई है, ये स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है, स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है वहीं पर कोड़ी शुरू होती है। तो स्टर्नम बोन जहां खत्म होगी वहीं पर कोड़ी शुरू होगी। कैसे डायग्नोज करेंगे? आप स्टर्नम बोन को दबाइए, यहां दबाइए, ये नहीं दबेगी, ये नहीं दबेगा, है ना, ये नहीं दबेगा, क्योंकि ये हड्डी है। लेकिन जैसे ही स्टर्नम बोन खत्म होती है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो नीचे की तरफ तो दबेगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि हड्डी वाला ही पार्ट है। जैसे अगर मैं यहां दबा रहा हूं तो ये मस्कुलर है, ये मसल्स हैं, लेकिन यहां दबा रहा हूं तो ये हड्डी भी नहीं है और मसल्स भी नहीं है। तो यही पार्ट आपका कोड़ी का पार्ट है। बहुत सारे लोगों को ये अलग से दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को एक चने के दाने के आकार का यहां पर एक पार्ट नजर आता है, यही कोड़ी है। यही बिगड़ जाए तो आपके इतने एरिए में समस्या परमानेंट बनी रहती है, है ना। तो इसको हमने चेक करना है। पेशेंट को जिसकी कोड़ी बिगड़ चुकी होगी, उसको इस एरिए में दबाने पर दर्द होगा। अगर मैं जैसे अंगूठे से दबा रहा हूं तो इस हिस्से में दर्द होगा, और ये दर्द आपके रिब्स में भी जा सकता है, यानी कि इस हिस्से में भी जा सकता है, इस हिस्से में भी जा सकता है। यहाँ पर दबाने पर दर्द है, यहाँ दबाने पर दर्द है, और बीच में दबाने पर दर्द है। तो ये दर्द जो है ये कोड़ी की समस्या का है, और कोड़ी को आम व्यक्ति
या बहुत सारे जो पेट के डॉक्टर हैं वो नहीं समझ पाते हैं और वह लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इसके इलाज में। और यह छोटी सी एक समस्या बहुत आसानी से न्यूरोथेरेपिस्ट यानी कि न्यूरोथेरेपी के अंदर ठीक की जा सकती है। मैं आने वाली वीडियोस में इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, इसकी सेटिंग बताने वाला हूं। तो इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक कर लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।